सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को कमरों से दिखी होगी कमरे में, क्योंकि जो हमारा एलईडी बल्ब है वो खराब हो चुका है। तो अभी मैं पापा बोलता हूँ, फिर वो सही करते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो घर बैठे अपना खुद सही कर लेते हैं, तो हमारे पास शायद बोल रहे हम सही करते हैं। भाई पापा, हमारा वो उस कमरे का एलईडी बल्ब खराब हो चुका है, चले उसको सही करते हैं। मैंने है? वीडियो में देखा था, खुद बैठे घर में सही करते हैं, और हमारे पास तो सारे टूल भी है। एलईडी बल्ब नहीं चल रहा? नहीं, चलो सही करते हैं, आओ चेक करते हैं पहले कौन सा बल्ब है, बताओ मुझे। ये वाला है, ये खराब हुआ भाई, ये नहीं चल रहा? ये हाँ ओए होए, चेक करूं मैं? चलो हाँ मैं चेक करूं किस तरीके से। भाई इसको जो है चेक करना पड़ेगा यार, तो वीडियो में बताते तो हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि इसमें कोई बल्ब बल्ब शॉर्ट हो जाता है, तो उसको हम देखते हैं कि हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सारे टूल जमा कर लो, जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तार का टुकड़ा चाहिए और पेचकस चाहिए। जाओ पहले सारे टूल जमा करके लेके आओ। तो भाई ध्यान, ये सारे मैंने जो है वो टूल जमा कर लिए, हाँ सही है? क्योंकि मैंने वीडियो में चेक किया, एक वीडियो में देखा था कि घर बैठे आप अपना एलईडी बल्ब खुद ही सही कर सकते हैं। तो आज हम यही अपना जो है एलईडी बल्ब को है वो सही करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, सही ये सही है? इसको हम, ये मैंने इसको खोल लिया, सही है? अच्छा, उसमें ये बताते हैं कि इस एलईडी बल्ब में ये जो एलईडी लगी होती है ना, ये खराब हो जाती है। तो इसमें से सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें से कौन सी एलईडी बल्ब कोई खराब तो नहीं हुआ बैटरी लगा के सबसे। देखनी पड़ेगी, नहीं, तो ब्लैक हो जाती है ये। यहाँ ये देखो, ये हमारा जो एलईडी बल्ब है, ये ब्लैक डॉट आ गया। वाला जो हमारा एलईडी बल्ब है ये खराब हो गया, देख लो ये जल गया, हाँ, ये ब्लैक ये डॉट आ ब्लैक गया डॉट आ बीच गया है ना बीच में, में। तो ये जल गया है, सही है? तो पहले तो मैं इसको लगाता हूँ। उसने बताया था कि तार से किस तरीके से उसको चेक करते हैं, सही है? तो भाई ये देखो जो है, मैंने सही अपना करना है ये, तो मैंने आप घर इनको बैठे बैठे सही कर सही जला दी, तार उसको छिल लिया है। अब इसको मैं ये वही चेक करूंगा जाके कि इसको मैं टच करूंगा तो ये बल्ब, अगर ये जल गई सारी एलईडी तो समझ लो सिर्फ और सिर्फ इसकी ये वाली एक खराब है। लाइट खराब हुई है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सटेंशन होल्डर तो है नहीं, तो वही लगाता हूँ मैं इसको। इससे इसको आपको दिखाता हूँ मैं, ये तो दिखेगा भी नहीं आपको, लेकिन कौन सी जली हुई थी रैम? ये ये वाली जली हुई थी हाँ, ना, ये मैं लगा दिया है। मैं इसको टच करता हूँ, अगर जल गई, गई भाई। जल गई ना, तो हाँ, मतलब हमारा सिर्फ ये खराब। खराब अब हमें जो करना होगा, इस एलईडी को इसमें से निकाल के रिमूव करना है, और इसमें हमने जी कुछ चीज चिपकानी है। मैं जो है पहले इस एलईडी की जो हमारी लाइट खराब हुई है इसको रिमूव करता हूँ, सही है? फिर इसको हम किसी तरीके से डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सही है ना? तो ये देखो, ये जो है मैंने वीडियो में देखा था, इसको उखाड़ देता हूँ। ये मैंने देखा था, ये देखें, ये निकल गई। मैंने इसको तोड़ दी। इसको तोड़ने के बाद जो है कचरा तो मैं इसी में डाल देता हूँ, मुझे सूझ गया। इसको तोड़नी है पूरी, है निकली अभी जो है ना, इसको पूरा उखाड़ना पड़ेगा। ये मेरे तो पापा उखड़ ही उखाड़ नहीं रहे, रहा, ये रियान ये उखड़ गया। पाकिस्तानी देसी फिर जुगाड़। अभी पापा रहता है, अभी तक पापा करने में लगे। ये हमने निकाल लिए है, अब इसको हम यहां से इसको ब्लैक ब्लैक है। डायरेक्ट करेंगे, साफ कर लिया है। अब हमें इसको इससे टच कर देंगे तो ये जल जाएगा। जाएगी तो पहले तो एक ट्राई करते हैं फॉइल पेपर। मम्मा से फाइल पूछो फॉइल पेपर है? फॉइल पेपर लेके आओ। तो भाई ये जो है फॉइल पेपर मैंने मंगवा लिया है। तो रियान इसकी जो है मैं पहले उस बल्ब के हिसाब से कटिंग करता हूँ। ये देखो, ये मैंने कटिंग करी है उस बल्ब के हिसाब से। मुझे इतना ही पीस काटना है जितना ये इस हिस्से में आके चिपक जाए। तो ये मैंने जो है एक छोटा सा पीस जो काट लिया है। वो देखो, ये मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया,
इतना सा थी, ये चीज की मुझे जरूरत है, ये मैंने ले लिया। आलियन टेप चाहिए मुझे, ये मैंने इसको ऐसे करके फिलहाल तो लगा दिया, इसको मैंने ऐसे अभी चिपका दिया, सही है। अब जो है हम पहले इसको चेक करते हैं। अलीन स्विच बंद करो, उसका कहीं धमाका वमाका ना हो जाए। स्विच बंद करो आलियन, बीच वाला तुम्हें पता नहीं कौन सा बटन है। हाँ ये बंद कर दिया, और ये मैं लगाने जा रहा हूँ भाई। आलियन तुम हड़ी हो पीछे, मैं बटन खोलूंगा, देखना ना ध्यान, दिखो ध्यान, जलता ही नहीं जलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ करंट पास नहीं हो रहा उसमें से, क्या बोलते हो, जल रहा था, देखना पड़ेगा। हाँ करंट जो है ना वो पास नहीं हो रहा भाई, इसको हमें सही से दबाना पड़ेगा। ये देखें आप, जल गया, ये सही से जो है ना दबेगा, दबेगा, करंट जो है ना सही पास नहीं हो रहा है। एक मिनट, ये देखें भाई जल गया, तो हम हो गए पास। हमने देखें घर में बैठे ही जो है वो एलईडी बल्ब को खुद सही कर लिया। कोई वीडियो में दिखाते हैं ना तो वो एकदम सही दिखाते हैं भाई, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, तो सारे काम जो है हम घर पे बैठे कर सकते हैं। तो जाके मम्मा को बुला के लेके आओ, क्लियर करा है, इसमें टेप भी लगा हुआ है, वो फॉइल पेपर लगा के हमने इसको लगाया था। आलियन आलियन ऑन करो, ये देखे भाई जल गया, बंद करो, उससे ज्यादा पास जल रहा है। इसको मैं दोबारा जो है वो पैक कर देता हूं, ये मैंने इसको दोबारा बंद कर दिया है। ये हाँ भाई बेगम क्या बोलती हो, ब्राइटनेस हो गई ना, आप देख रहे बल्ब खराब हो गया। मैंने वीडियो में चेक किया था कि अपना बल्ब जो है वो किस तरीके से सही कर सकते हैं आप, तो आज हमने उसको अप्लाई भी कर दिया। और ये देखें तो मतलब जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आती हैं, दिखाते हैं लोग, फेक नहीं होती है, सच भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको अपना महारत हासिल करनी पड़ती है, उसको देख के माइंड चलाना होता है। तो हमने आज थोड़ा सा अपना माइंड चलाया और उस पर वर्किंग करी, तो हमने अपना एलईडी बल्ब खुद सही कर लिया। बेगम भी तारीफ कर रही है, कह रही है ऐसी काम करते रहा करें, आपको एलईडी वाला बल्ब जो है रिपेयर कर कैसे करते हैं पसंद आया वो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका सब्सक्राइब जो है ना इसी बल्ब की तरह हमें रोशन कर सकता है। आप सब्सक्राइब ही नहीं करते तो भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे हैं हुरे बोले आप भी, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हाँ भाई हुरैन के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।